चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपके एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें आपके 6 चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं। कितने? छठवां चैप्टर कौन सा था? जैव विक्रम। ये सातवां चैप्टर है आपका नियंत्रण एवं समन्वय। याद रखिए, आपकी कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक की सभी बुक्स कंप्लीट हो चुकी हैं। कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं की बुक्स बचती हैं, उन्हें भी हम लोग बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। और याद रखिए, अभी तक जितनी भी क्लासें ली गई हैं आपकी एनसीईआरटी से संबंधित, सभी आपकी एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डली हुई है। ठीक है, उसी में सभी क्लासें आपकी डली हुई हैं। तो आपको बड़े ध्यान से सुनना है, एक से दो बार आप लोग देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। इसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं मिलेगा जो आपको समझ में ना आए। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप पूछिएगा, मैं बता सकता हूं। लेकिन बीच में आपको हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, बड़े ध्यान से आपको सुनना है। ठीक है, पिछले अध्याय में हमने सजीवों में अनुरक्षण अथवा रख रखाव, कार में संलग्न जैसे जैव विक्रमों के बारे में पढ़ा था। हमने इस बात पर विचार करना प्रारंभ किया था कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह सजीव है। पादपों में इस तरह की कुछ गतिविधि गतियां वास्तव में वृद्धि का परिणाम है। एक बीज अंकुरित होता है और वृद्धि करता है, और हम देख सकते हैं कि नवोद्भिद कुछ दिनों में गति करता हुआ मृदा को एक कोर धकेल कर बाहर आ जाता है। लेकिन यदि इसकी वृद्धि रुक गई तो होती तो ये गतियां नहीं होती। अधिकांश जंतुओं में तथा कुछ पादप में होने वाली कुछ गतियां वृद्धि से संबंधित नहीं है। एक दौड़ती बिल्ली, झूले पर खेलते बच्चे, जुगाली करती भैंस, ये गतियां वृद्धि के कारण नहीं होती हैं। दिखाई देने वाली इन गतियों को हम जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं? इसका एक संभावित उत्तर यह है कि हम गतियों को जीव के पर्यावरण में आए परिवर्तन की अनुक्रिया सोचते हैं। बिल्ली इसलिए दौड़ी होगी क्योंकि इसने एक चूहा देखा था। केवल यही नहीं, हम गति को सजीवों द्वारा किए गए एक ऐसे प्रयास के रूप में भी सोचते हैं जिसमें जिसमें उनके पर्यावरण में हुए परिवर्तन उनके लिए लाभकारी हो। सूर्य के प्रकाश में पौधे वृद्धि करते हैं, बच्चे झूले से आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, भैंस जुगाली करती है ताकि भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए और उसका पाचन भली भांति हो सके। जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर फोकस की जाती है या जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हम में परिवर्तन का पता लग जाता है और इसकी अनुक्रिया में स्वयं को बचाने के लिए गति करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। आप लोग गर्म तवे को छूना भी मत, मालूम चला प्रैक्टिकल करने के चक्कर में आप जल गए। ठीक है, यदि हम इसके बारे में और अधिक विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति ये गतियां सावधानी से नियंत्रित की जाती हैं। पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया से एक समुचित गति उत्पन्न होती है। जब हम कक्षा में अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं तो हम जोर से चीखने की अपेक्षा फुसफुसाते हैं। स्पष्ट रूप से कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है जो इसे प्रेरित करती है। अतः इस तरह की नियंत्रित गति को पर्यावरण में भिन्न घटनाओं की अभिज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए जो अनुक्रिया के अनुरूप गति करे। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो सजीवों को उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। कोशिकीय जीवों में शरीर संगठन के सामान्य सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यह कह सकते हैं कि विशिष्टि के ऊतक का उपयोग इन नियंत्रण तथा समन्वय क्रियाकलाप में किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग जंतु तंत्रिका तंत्र के बारे में। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है, जिसके विषय में हम कक्षा 9वीं में यानी कि पिछली कक्षा में आपने विस्तार से पढ़ा भी था। आकस्मिक परिस्थिति में गर्म पदार्थ को छूना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। हमें इसे पहचानने की तथा इसके अनुरूप अनुक्रिया की आवश्यकता है। हम कैसे पता लगाएंगे कि हम गर्म वस्तु को छू रहे हैं? हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं की विशिष्टि के सिरों द्वारा लगाया जाता है। एक ग्राही प्राय हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, जैसे आंतरिक करण, नाक, जीवा आदि। रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि
ग्राही गंध का पता लगाते हैं। यह सूचना एक तंत्रिका कोशिका की द्रुमकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है, और एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक विद्युत आवेग पैदा करती है। यह आवेग द्रोमिका से कोशिका काय तक जाता है, और तब तंत्रिकाक्ष एक्सॉन में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेश कुछ रसायनों का विमोचन कराता है। ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्टिक दरार को पार करते हैं और अंगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। यह शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना है। इसी तरह एक अंतर्ग्रथन सिनेप्स अंततः ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिकाएं कोशिका और या फिर ग्रंथि तक ले जाता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें आपको समझाऊं क्या आप लोगों से, इसलिए तो आपकी सभी एनसीईआरटी को टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। मुझे ऐसा समझ में ही नहीं आता है कि इसमें कुछ समझने लायक हो। बड़ी आसान शब्दों में यानी कि बहुत साधारण शब्दों में लिखी गई है ये बुक्स, तो आप एक से दो बार अगर आराम से भी पढ़ लेते हैं तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक केंद्रक हो गया आपका, एक द्रोमिका, एक कोशिका काय, ठीक है, तंत्रिकाक्ष, ये तंत्रिका का अंतिम सिरा हो गया यहाँ, ठीक है। इसे भी देख लीजिए, तंत्रिका कोशिका का चित्र है ऊपर वाला, और ये आपका तंत्रिका पेशी है, संधि है, तंत्रिकाक्ष, तंत्रिका पेशी है, संधि ये दिख रही होगी, और पेशी फाइबर कोशिका हो गई, ठीक है, ये माइटोकांड्रिया हो गई। अतः इसमें कोई आशा नहीं है कि तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं का या फिर न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है, और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन में विशिष्टीकृत है। चित्र 17.7.1a को देखिए, इसकी बात कर रहा हूं, देखिए, तथा इसमें तंत्रिका कोशिका के भागों को पहचानिए जहां सूचनाएं उपार्जित की जाती हैं, जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती हैं, और जहां इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है जिससे यह आगे संचरित हो सके। अब इस क्रियाकलाप 7.1 को देख लीजिए, कुछ चीनी अपने मुंह में रखिए, इसका स्वाद कैसा है, अपनी नाक को अंगूठा या फिर तर्जनी अंगुली से दबाकर बंद कर लीजिए। अब फिर से चीनी खाइए, इसके स्वाद में क्या कोई अंतर है। खाना खाते समय उसी तरह से अपने नाक बंद कर लीजिए तथा ध्यान दीजिए कि जिस भोजन को आप खा रहे हैं क्या आप उस खाने का पूरा स्वाद ले रहे हैं। जब नाक बंद होती है तो क्या आप चीनी या फिर भोजन के स्वाद में कोई अंतर महसूस करते हैं। यदि हाँ तो आप सोचते होंगे कि यह क्यों होता है। इस तरह के अंतर जानने के लिए और उनके संभावित हल खोजने के लिए पढ़िए तथा चर्चा कीजिए। जब आपको जुकाम हो जाता है तब भी क्या आप इस तरह की स्थिति का सामना करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आपने जब आपको जुकाम हो जाता है, सर्दी जुकाम, तो उस समय आपसे पूछा जाता है कि नमक ज्यादा है सब्जी में, तो आप कह देते हैं मुझे स्वाद नहीं आ रहा है, सर्दी हो गई इसलिए, जुकाम हो गया इसलिए, तो परिवर्तन हो जाता है। फिर आप देखेंगे प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है। पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया की चर्चा करते करते हैं तो बहुधा पितिवर्त शब्द का प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं कि मैं पितिवर्त वर्त स्वरूप बस से कूद गया, या फिर मैंने पितिवर्त स्वरूप आग की लौ से अपना हाथ पीछे खींच लिया, या फिर मैं इतना भूखा था कि पितिवर्त स्वरूप मेरे मुंह में पानी आने लगा। इसका क्या अभिप्राय है, यानी कि क्या मतलब है। इन सभी उदाहरणों में एक सामान्य विचार आता है, जो कुछ हम करते हैं उसके बारे में विचार नहीं करते, या फिर अपनी क्रियाओं को नियंत्रण में महसूस नहीं करते। फिर भी ये विशेष स्थितियां जहां हम अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया कर रहे हैं, इन परिस्थितियों में नियंत्रण और समन्वय कैसे प्राप्त किया जाता है, इस पर फिर से विचार करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, आग की लपट को छूना हमारे अथवा किसी भी जंतु के लिए एक दुराग्रही तथा खतरनाक स्थिति है।
हम इसके पिति कैसे अनुक्रिया करते हैं? एक सरल विधि है, हम विचार करें कि हमें आघात पहुंच सकता है और इसलिए हमें अपना हाथ हटा लेना चाहिए, यानी कि पीछे। तब एक आवश्यक प्रश्न आता है कि यह सब सोचने के लिए हमें कितना समय लगेगा। उत्तर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार सोचते हैं। यदि तंत्रिका आवेग को उस ओर भेजा जाता है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तब इसी प्रकार के आवेग उत्पन्न करने के लिए मस्तिष्क के द्वारा चिंतन भी आवश्यक है। विचार करना एक जटिल क्रिया है, तथा यह है बहुत सी तंत्रिका कोशिकाओं की तंत्रिका आवेग की जटिल अन्योन क्रियाओं से जोड़ने के लिए बाध्य भी है। यदि यह वस्तु स्थिति है तो कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे शरीर में सोचने वाले ऊतक जटिल रूप से व्यवस्थित न्यूरॉन न्यूरॉन के घने जाल से बने हैं। यह खोपड़ी में अग्र शरीर पर स्थित हैं तथा शरीर के सभी हिस्सों में से संकेत प्राप्त करते हैं तथा उन पर अनुक्रिया से पहले विचार भी करते हैं। निसंदेह ये संकेत प्राप्त करने के लिए खोपड़ी में मस्तिष्क का सोचने वाला भाग तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से जुड़ा होना चाहिए। इसी तरह यदि मस्तिष्क का यह भाग पेशियों को गति करने का आदेश देता है तो तंत्रिकाएं इन संकेतों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। हम किसी गर्म वस्तु को छुएं और हमें यह सब करना पड़े तो इसमें काफी समय लगेगा कि हम जलन महसूस कर सकते हैं। शरीर की डिजाइन किस तरह इस समस्या का हल करती है? ऊष्मा के संवेदन के बारे में सोचने की अपेक्षा यदि जो तंत्रिकाएं ऊष्मा का पता लगाती हैं उन्हें उन्हें उन तंत्रिकाओं से जोड़ा जाए जो पेशियों को गति कराती हैं, तो जो पिक्रम आगम संकेतकों का पता लगाने तथा तदनुसार निर्गम क्रिया को करने का कार्य करता है वह अति शीघ्र पूरा हो जाता है। आमतौर पर इस तरह के संबंधन को पित्तिवर्ती चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्तिवर्ती चाप कहते हैं। इस प्रकार के पित्तिवर्ती चाप को संबंधन आगत तंत्रिका तथा निर्गत तंत्रिका के मध्य कहाँ होना चाहिए? सबसे उपयुक्त स्थान शायद वही बिंदु होगा जहां सबसे पहले वे एक दूसरे से मिलते हैं। पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती हैं और पित्तिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु में बनते हैं। यद्यपि आगत सूचनाएं मस्तिष्क तक भी जाती हैं, अधिकतर जंतुओं में पित्तिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि इनके मस्तिष्क के सोचने का विक्रम बहुत तेज नहीं है। वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाल या तो अल्प है या फिर अनुपस्थित, यानी कि है इसमें है भी नहीं है। अतः यह स्पष्ट है कि वास्तविक विचार विक्रम की अनुपस्थिति में पित्तिवर्ती चाप का दक्ष कार्य प्रणाली के रूप में विकास हुआ है। यद्यपि जटिल न्यूरॉन जाल के अस्तित्व में आने के बाद भी पित्तिवर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। यहाँ चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ गर्म ग्राही ऊष्मा दर्द त्वचा में ग्राही, ये आपकी यहाँ से संवेदी तंत्रिका कोशिका हुई, प्रेरक तंत्रिका कोशिका, एक कारकर बराबर भुजा में पेशी। यहाँ आपको देखें पित्ती सारण तंत्रिका कोशिका, मेरुरज्जु और मस्तिष्क के लिए संकेत। आप देखते होंगे कि देखिए पूरा एक तरह से मस्तिष्क ही, आप सोचिए कि सब पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है हमारे किसी भी हाथ को, देख लीजिए, समझ रहे हैं? चाहे किसी को भी हाथ कब हटाना है, गर्म आपको गर्म कब लग रहा है, आग से कब जल रहे हैं, ठीक है? क्या आप उन घटनाओं के क्रम को खोज सकते हैं जो आपकी आंखों में तेज प्रकाश फोकस करने पर होती है? एक तरह से आप मानिए कि दिमाग को आप गाड़ी या मोटरसाइकिल या आप फोर व्हीलर किसी का भी स्टैंड मार सकते हैं। जो स्टैंड मतलब यानी कि जो चलाने वाली होती है ना, जिसे क्या बोल देते हैं आप लोग, स्टैंड तो बोलते हैं, स्टैंड जो भी कहते हो, ठीक है, मोड़ हो फिर ऐसा हैंडल भी कह देते हैं आप लोग गाड़ी में, उसी को मार सकते हैं। अगर मानव मस्तिष्क की बात करेंगे, व्यक्ति जैसे मानव की, तो क्या मेरुरज्जु का कार्य केवल पित्तिवर्ती क्रिया है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सोचने वाले प्राणी हैं। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है और सोचने में अधिक जटिल क्रियाविधि तथा तंत्रिका संबंधन होते हैं। ये मस्तिष्क में संकेंद्रित होते हैं जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र
बनाते हैं। ये शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं तथा इसका समाकलन भी करते हैं। हम अपनी क्रियाओं के बारे में भी सोचते हैं। लिखना, बात करना, एक कुर्सी घुमाना, किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना इत्यादि ऐच्छिक क्रियाओं के उदाहरण हैं, जो आगे क्या करना है के निर्णय पर आधारित है। अतः मस्तिष्क को भी पेशियों तक संदेश भेजने होते हैं। या दूसरा मार्ग है कि जिसमें तंत्रिका तंत्र पेशियों में संचार भेजता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा शरीर के अन्य भागों में संचार को परिधीय तंत्रिका तंत्र सुगमता प्रदान करता है, जो मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं से बना होता है। इस प्रकार मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति तथा सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति प्रदान करता है। जैसे आपको संभावना होगी कि यह एक जटिल अभिकल्पना द्वारा मस्तिष्क के विभिन्न भागों से जो विभिन्न आगत तथा निर्गत सूचनाओं को समाकलित करने के लिए उत्तरदायी है, पूरा किया जाता है। मस्तिष्क में इस तरह के तीन मुख्य भाग या प्रक्षेत्र होते हैं, जिनके नाम अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये आपका ही या किसी का भी ले लीजिए, आप लोग मानव मस्तिष्क है, ये आपकी मेरुरज्जु हो गई, ठीक है। इसमें आपके बाद देखने को मिलेगा, ये आपकी यहाँ आपको देखने को मिलेगा अनुमस्तिष्क, ये आपका मेडुला, पॉन्स, हाइपोथैलेमस, यहाँ आपको पीयूष ग्रंथि, कहाँ है ये है पीयूष ग्रंथि, ये आगे का भाग है अग्र मस्तिष्क, ये बीच का भाग है, ये आपकी कपाल खोपड़ी है, ठीक है, ये मध्य मस्तिष्क, ये पीछे का, ठीक है। तो एक तरह से आप अपने दिमाग को देख रहे हैं, ठीक है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क है, यानी कि ये है सोचने वाला भाग, ठीक है। इसमें विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग आवेग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सूंघने सूंघने, सुनने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत हैं। इसमें सहचर के क्षेत्र पृथक होते हैं, जहां इन संवेदी सूचनाओं अन्य ग्राही से प्राप्त सूचनाओं एवं पहले से मस्तिष्क में एकत्रित सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है। इस सब पर आधारित एक निर्णय लिया जाता है कि अनुक्रिया तथा सूचनाएं प्रेरक क्षेत्र तक कैसे पहुंचाई जाए, जो ऐच्छिक पेशी की गति को, जैसे हमारी टांग की पेशियां नियंत्रित करती हैं। हालांकि प्रकृति में कुछ संवेदन देखने और सुनने से अधिक जटिल हैं, जैसे कि हमें कैसे पता लगता है कि हम पर्याप्त भोजन खा चुके हैं, हमारा पेट पूरा भरा है, यह जानने के लिए एक भूख से संबंधित केंद्र है जो अग्र मस्तिष्क में एक अलग भाग है। तो ये याद रखिए, जो आगे का भाग है सोचने के लिए भी का काम करता है और एक तरह से आपका भूख से संबंध भी यही काम करता है। मानव मस्तिष्क के नामांकित चित्र का अध्ययन कीजिए। हम देख चुके हैं कि विभिन्न भागों के विशिष्ट कार्य हैं। अपने अध्यापक से परामर्श करके प्रत्येक भाग के कार्य का पता लगा सकते हैं। आइए पितिवर्ष शब्द का दूसरा उपयोग भी देखते हैं। जैसे कि हमने प्रारंभ में चर्चा की थी कि जब हम किसी ऐसे खाद्य पदार्थ को देखते हैं जिसे हम पसंद करते हैं, तो अनायास ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। हृदय स्पंदन के बारे में हम ना भी सोचें तब भी यह होगा। वास्तव में इनके बारे में सोचकर या चाहकर भी आसानी से हम इन क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। क्या हमें सांस लेने के लिए या फिर भोजन पचाने के लिए सोचना याद करना पड़ता है? बिल्कुल नहीं। अतः सामान्य पितिवर्ती क्रिया जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन तथा कोई सोची क्रिया जैसी कुर्सी खिसकाना के मध्य एक और पेशी गति का सेट है जिस पर हमारे सोचने का कोई नियंत्रण नहीं है। इन अनैच्छिक क्रियाओं में से कई मध्य मस्तिष्क या फिर पश्चिम मस्तिष्क से नियंत्रित होती हैं। ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना, वमन, पश्चिम मस्तिष्क स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। इसके द्वारा, किसके द्वारा? इसके मेडुला, ठीक है। कुछ क्रियाएं जैसे एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना पर विचार कीजिए, ये पश्चिम मस्तिष्क में स्थित भाग अनु मस्तिष्क द्वारा ही संभव है, जो ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि और शरीर की स्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। कल्पना कीजिए, यदि हम इनके बारे में नहीं सोच रहे हैं और ये सभी घटनाएं काम करना बंद कर दें तो क्या होगा? अब बात करते हैं ये ऊतक रक्षित
कैसे होते हैं, ये ऊतक रक्षित कैसे होते हैं। मस्तिष्क की तरह कोमल अंग जो विभिन्न क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक है कि सावधानी पूर्वक रक्षा भी होनी चाहिए। इसके लिए शरीर की अभिकल्पना इस प्रकार की है कि मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित है होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात अवशोषक उपलब्ध कराता है। यदि आप अपने हाथ को कमर के मध्य के नीचे ले जाएं तो आप एक कठोर उभार वाली संरचना का अनुभव करेंगे। यह कशेरुक दंड का या फिर रीढ़ की हड्डी है जो मेरु रज्जु की रक्षा करता है। एक तरह से आप सोचिए कि दिमाग, अगर आपका जो मस्तिष्क है इतनी सुरक्षा के साथ ना लगा होता, मान लीजिए कि फिर चाहे आपका दिल है यानी कि हृदय है, हार्ट है, ये मान लीजिए पीठ पर होता, कोई एक तमाचा देता और आपका काम खत्म हो जाता, या आपका इतना सेफ्टी ना होती मस्तिष्क की, दिमाग की, तो बाहर होता कहीं भी हो, किसी ने एक थोड़ा सा मार दिया, काम खत्म हो जाता। तो एक तरह से आप इसी में आप विज्ञान भी फेल हो गया है कि आप सोचिए, पूरी डिजाइन किया गया है। एक तरह से आप गाड़ी बनाते हैं तो पूरा एक तरह से आप सोचिए, मान लीजिए कि आपकी नाक पीछे होती, आंखें आपकी कहीं और होती, तो एक सोचिए आप लोग कितने हैं, एक तरह से ऊटपटांग लगते। पूरी व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। अब बात करते हैं तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है। अब तक हम तंत्रिका ऊतक की चर्चा कर रहे थे, यह कैसे सूचना एकत्रित करता है और इन्हें शरीर में भेजता है, सूचनाओं को संसाधित करता है, सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेता है और पेशियों तक क्रिया के लिए निर्णय को संवाहित करता है। दूसरे शब्दों में, हम जब क्रिया या फिर गति संपन्न होती है तो पेशी ऊतक अंतिम काम करेंगे। जंतु पेशी कैसे गति करती है? जब तंत्रिका आवेग पेशी तक पहुंचता है तो पेशी की गति को गति करनी चाहिए। एक पेशी कोशिका कैसे गति करती है? कोशिकीय स्तर पर गति के लिए सबसे सरल साधारण सरल धारणा है कि पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति बदल कर गति करते हैं। और अतः आगामी प्रश्न है कि पेशी कोशिकाएं आकृति कैसे बदलती हैं? इनका उत्तर कोशिकीय अवयव के रसायन में निहित है। पेशी कोशिकाओं में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है तो उनकी आकृति अथवा व्यवस्था दोनों को ही बदल देती है, और कोशिका में यह तंत्रिका विद्युत आवेग की अनुक्रिया के फलस्वरूप होता है। जब यह घटना होती है तो इन प्रोटीन की नई व्यवस्था पेशी की नई आकृति देती है। और याद कीजिए कि जब हमने कक्षा 9वीं में पेशी ऊतक की चर्चा की थी तब विभिन्न प्रकार की पेशियां, जैसे कि ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां थी। अब तक हमने जो चर्चा की है इसके आधार पर आपके विचार में इनमें क्या अंतर हो सकते हैं? ये आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं जो हम लोगों ने टॉपिक देखा है ना ऊपर, उसी से संबंधित। अब बात करते हैं हम लोग पादपों में समन्वय। शरीर की क्रिया के नियंत्रण तथा समन्वय के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र आप लोगों ने देखा है, लेकिन पादपों में ना तो तंत्रिका तंत्र होता है ना ही पेशियां होती हैं। अतः वे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं? जब हम छुई मुई के पादप की पत्तियां छूते हैं तो वे मुड़ना प्रारंभ कर देती हैं और नीचे झुक जाती हैं। जब एक बीज अंकुरित होता है तो जड़ें नीचे की ओर जाती हैं तथा तना ऊपर की ओर आता है। जानते हो क्या होता है? छुई मुई की पत्तियां स्पर्श की अनुक्रिया से बहुत तेजी से गति करती हैं। इस गति से वृद्धि का कोई संबंध नहीं है। दूसरी ओर नवोद्भिद की दिशिक गति वृद्धि के कारण होती है। यदि इसकी वृद्धि को किसी प्रकार रोक दिया जाए तब यह कोई गति प्रदर्शित नहीं करेगा। अतः पादप दो विभिन्न भिन्न प्रकार की गतियां दर्शाते हैं, एक वृद्धि पर आश्रित और दूसरी आप देखेंगे वृद्धि से मुक्त है, मुक्त है। छुईमुई का पौधा देख लीजिए, इसे छुआ इस तरह से मुड़ जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। बात करते हैं उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। आइए पहले प्रकार की गति पर विचार करें। जैसे छुईमुई के पौधे की गति, क्योंकि यह वृद्धि से संबंधित नहीं है, पादप को स्पर्श की अनुक्रिया के फलस्वरूप अपनी पत्तियों में गति करना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई तंत्रिका ऊतक नहीं है और ना ही कोई पेशी ऊतक है। फिर पादप कैसे स्पर्श का संसूचन करता है और किस प्रकार अनुक्रिया में पत्तियां गति करती हैं? यदि हम विचार करें कि पौधे को किस बिंदु पर छुआ जाता है और पौधे के किस भाग में गति होती है, यह आभासी है
कि स्पर्श वाला बिंदु तथा गति वाला बिंदु दोनों भिन्न है, अतः स्पर्श होने की सूचना संचारित होनी चाहिए। पादप इस सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए विद्युत रसायन साधन का उपयोग भी करते हैं, लेकिन जंतुओं की तरह पादप में सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्टीकृत ऊतक नहीं होते हैं। अतः अंत में जंतुओं की तरह गति करने के लिए कुछ कोशिकाओं को अपनी आकृति बदल लेनी चाहिए। पादप कोशिकाओं में जंतु पेशी कोशिकाओं की तरह विशिष्टीकृत प्रोटीन तो नहीं होती, अपितु वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती है, परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने में उनका आकार भी बदल जाता है। बात करते हैं वृद्धि के कारण गति। तो मटर के पौधे की तरह कुछ पादप दूसरे पादप या फिर बाड़ पर पितान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। ये पितान स्पर्श के लिए संवेदनशील हैं। जब ये किसी आधार के संपर्क में आते हैं तो पितान वह भाग जो वस्तु के संपर्क में है उतनी तीव्रता से वृद्धि नहीं करता है जितना पितान का वह भाग जो वस्तु से दूरी दूर रहता है। इस कारण पितान वस्तु को चारों ओर से जकड़ लेता है। आमतौर पर पादप धीरे से एक निश्चित दिशा में गति करके उद्दीपन के पिति अनुक्रिया करते हैं, क्योंकि यह वृद्धि दिशिक है, इससे ऐसा लगता है कि पादप गति कर रहा है। आइए इस प्रकार की गति को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। इस क्रियाकलाप को आप लोग देखिए, 7.2। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है देखिए इस चैप्टर में कि क्या आप लोगों को समझाया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मुझसे बेहतर समझ रहे होंगे। ठीक है, मैं तो दिन भर का थका हारा आया हूँ तो आवाज भी अच्छे से नहीं निकल पाती है, लेकिन आप लोग तो बेहतर समझ रहे होंगे। ठीक है, और अच्छे से समझ रहे हो तो आप लोग मुझे भी समझा सकते हैं। एक शंकु फ्लास्को को जल से भर लीजिए। फ्लास्की की गीवा को तार के जाल से ढक दीजिए। एक ताजा छोटा सेम का पौधा तार की जाली पर इस प्रकार रख दीजिए कि उसकी जड़ें जल में भींगी रहें। एक ओर से खुला हुआ गत्ते का एक बॉक्स लीजिए। फ्लास्क को बॉक्स में इस प्रकार रखिए कि बॉक्स की खुली साइड खिड़की की ओर हो जहां से प्रकाश आ रहा है। 2 या 3 दिन बाद आप देखेंगे कि प्रो प्रकाश की ओर झुक जाता है तथा जड़ें प्रकाश से दूर चली जाती हैं। अब फ्लास्क को इस प्रकार घुमाइए कि प्रो प्रकाश से दूर तथा जड़ प्रकाश की ओर जाए। इसे इस अवस्था में कुछ दिनों के लिए विक्षोभ रहित छोड़ दीजिए। क्या प्रो और जड़ के पुराने भागों में ने दिशा बदल दी है? क्या ये अंतर नई वृद्धि की दिशा में है? इस क्रियाकलाप से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? याद रखिए, इस क्रियाकलाप जो भी होते हैं आप लोगों को पढ़ना है और निकल जाना है। ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइए। इसके बाद जो टॉप पैराग्राफ रहता है उसे जरूर ध्यान से पढ़ लिया करिएगा। विकास की दिशा में पादप की अनुक्रिया इस तरह, और ये आप देखेंगे धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। ठीक है, पर्यावरणीय पीड़न जैसे प्रकाश या फिर गुरुत्व पादप की वृद्धि वाले भाग में दिशा परिवर्तित कर देते हैं। ये दिशिक या फिर अनुवर्तन गतियां उद्दीपन की ओर या फिर इससे विपरीत दिशा में हो सकती हैं। अतः इन दो भिन्न प्रकार की विकासानुवर्तन गतियों में प्रो विकास की ओर मुड़कर अनुक्रिया तथा जड़ से दूर मुड़कर अनुक्रिया करते हैं, या पादप की सहायता कैसे करता है? पादप अन्य उद्दीपनों के लिए भी अनुक्रिया करके अनुवर्तन दिखाते हैं, और एक पादप की जड़ सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है जबकि प्रोव प्रा ऊपर की ओर तथा पृथ्वी से दूर दूर वृद्धि करते हैं, या प्रोव तथा जड़ में क्रमशः ऊपरीगामी तथा अधोगामी वृद्धि पृथ्वी अथवा या फिर गुरुत्व के खिंचाव की अनुक्रिया निसंदेह गुरुत्वानुवर्तन है। 7.6 में आप लोगों ने देखा भी है। ठीक है, यदि जल का अर्थ पानी तथा रसायन का अर्थ रासायनिक पदार्थ हो तो जल अनुवर्तन तथा रसानुवर्तन का क्या अर्थ होगा? क्या हम इस प्रकार के दिशिक वृद्धि गतियों के उदाहरणों के बारे में विचार कर सकते हैं? रसायन अनुवर्तन का एक उदाहरण पराग नलिका का विज्ञान की ओर वृद्धि करना है, जिसके बारे में हम अधिक जानकारी जीवों में जनन विक्रम का अध्ययन करते समय प्राप्त करेंगे। आगे आइए एक बार हम फिर विचार करते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में सूचनाएं किस प्रकार संचारित होती हैं। छुई मुई में स्पर्श की अनुक्रिया की गति बहुत तीव्र है, दूसरी ओर रात और दिन की अनुक्रिया में पुष्पों की गति बहुत मंद है। पादपों की वृद्धि संबंधित गतियां भी आपको मंद यानी कि धीमी होती है।
जंतु शरीर में भी वृद्धि के लिए सावधानी पूर्वक नियंत्रित दिशाएं हैं। हमारी भुजा और अंगुलियां यादृच्छिक ना होकर एक निश्चित दिशा में वृद्धि करती हैं। नियंत्रित गति मंद या फिर तीव्र हो सकती है। यदि उद्दीपन के लिए तीव्र अनुक्रिया होती है तो सूचनाओं का स्थानांतरण भी बहुत तीव्र होता है होना चाहिए। इसके लिए तीव्र गति से चलने के लिए संचरण का माध्यम होना चाहिए। इसके लिए विद्युत आवेग एक उत्तम साधन है, लेकिन विद्युत आवेग के उपयोग के लिए सीमाएं भी हैं। सर्वप्रथम वे केवल उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंचेंगी जो तंत्रिका ऊतक से जुड़ी हैं, जंतु शरीर की प्रत्येक कोशिका तक नहीं। दूसरे दूसरे एक बार एक कोशिका में विद्युत आवेग जनित होता है तथा संचरित होता है तो पुनः नया आवेग जनित करने तथा उसे संचित करने के लिए कोशिका फिर से अपनी कार्यविधि को सुचारू करने के लिए कुछ समय लेगी। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो कोशिकाएं सतत विद्युत आवेग ना जनित और ना ही संचरित कर सकती हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अधिकांश बहुकोशिकीय जीव कोशिकाओं के मध्य संचार के लिए अन्य साधनों का उपयोग करते हैं। हम पहले ही रासायनिक संचयन का संदर्भ दे भी चुके हैं। यदि एक विद्युत आवेग जनित करने के अलावा उद्दीपन उद्दीपित कोशिकाएं एक रासायनिक यौगिक निर्मोचित करना प्रारंभ कर दें तो यह यौगिक आसपास की सभी कोशिकाओं में विसरित हो जाएगा। यदि आसपास की अन्य कोशिकाओं के पास इस यौगिक को संसूचित करने के साधन हो तो उनकी सतह पर विशेष अणुओं का उपयोग करके वे सूचनाओं का अभिज्ञान करने योग्य होंगे तथा इन्हें संचारित भी करेंगे। हालांकि यह प्रक्रम बहुत धीमा होगा, लेकिन यह तंत्रिका संबंधन के बिना भी शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचेगा तथा इसे अपरिवर्ती तथा स्थायी बनाया जा सकता है। बहुकोशिकीय जंतुओं द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय के लिए उपयुक्त हार्मोन हमारी आशा के अनुरूप विविधता दर्शाते हैं। विविध पादप हार्मोन वृद्धि विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। इसके संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है और साधारण विसरण द्वारा भी क्रिया क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं। हम पहले कह चुके हैं कि जब वृद्धिकर्ता पादप विकास को संसूचित करता है एक हार्मोन जिसे ऑक्सिन हार्मोन कहते हैं, एक अभी आप लोगों ने सुना भी होगा। यह प्ररोह के अग्रभाग टिप में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक भी होता है। जब पादप पर एक ओर से विकास आ रहा है तब ऑक्सिन विसरित होकर प्ररोह की छाया वाले भाग में आ जाता है। प्ररोह की विकास से दूरी दूर वाला वाली साइड में ऑक्सिन का संधारण कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है, अतः पादप विकास की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। पादप हार्मोन का दूसरा उदाहरण जिब्रेलिन है जो ऑक्सिन की तरह तनी की वृद्धि में सहायक होते हैं। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है और इसलिए यह उन क्षेत्रों में जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है, विशेष रूप से फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है, और ये उन पादप हार्मोन के उदाहरण हैं जो वृद्धि में सहायता करते हैं, लेकिन पादप की वृद्धि संदमन के लिए भी संकेतों की आवश्यकता है। एब्सेसिक अम्ल वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोनों का एक उदाहरण है और पत्तियों का मुरझाना इसके प्रभावों में सम्मिलित है। आपका ये भी आपके इसी टॉपिक से, जो ऊपर आप लोगों ने एक पैराग्राफ पढ़ा है ना इसी से संबंधित क्वेश्चन से, देखते रहिए। जंतुओं में अगर हार्मोनों की बात करें हम लोग, तो ये रसायन या हार्मोन जंतुओं में किस प्रकार सूचनाओं के संचरण के साधन की तरह प्रयुक्त होते हैं। कुछ जंतु जैसे गिलहरी को लीजिए, जब वे विषम परिस्थिति में होती हैं तो क्या महसूस करती हैं? वे अपने शरीर लड़ने के लिए वे अपना शरीर लड़ने के लिए या फिर भाग जाने के लिए तैयार करती हैं। दोनों ही बहुत जटिल क्रियाएं हैं जिसे नियंत्रित तरीके से अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अनेक प्रकार के विभिन्न भिन्न ऊतकों का उपयोग होगा तथा उनकी एकीकृत क्रियाएं मिलकर एक कार्य करेंगे। यद्यपि लड़ना या दौड़ना दो एकांतर क्रियाएं हैं, एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न भी है। अतः यह एक स्थिति है जिसमें कुछ सामान्य तैयारियां शरीर में लाभप्रद बनाई जाती हैं। ये तैयारियां आदर्श रूप से निकट भविष्य में किसी भी क्रिया को सरल बना देती हैं। यह सब कैसे उपलब्ध होगा? यदि गिलहरी में शरीर अभिकल्प तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा केवल विद्युत आवेग पर आश्रित होगा तो आगामी क्रिया को करने के लिए प्रशिक्षित ऊतकों का परिसर सीमित होगा। दूसरी ओर यदि रासायनिक संकेत भी भेजा जाता है तो यह शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता
और आवश्यक परिवर्तित परिसर बेहद हो जाता है। अधिव्यक्त ग्रंथि से स्रावित एडिनेलिन हार्मोन द्वारा मनुष्य सहित अनेक जंतुओं में यह किया जाता है। इन ग्रंथियों की शरीर में स्थिति जानने के लिए चित्र 7.7 को देखिए। एडिलिन इसकी बात कर रहा हूं, मानव की अंतः स्रावी ग्रंथियां, ये नर में और ये आपकी मदा में, ठीक है। नर में हाइपोथैलेमस, यहाँ आपको पीनियल ग्रंथि, और यहाँ पीयूष ग्रंथि, आउटू ग्रंथि, परावटू ग्रंथि, ठीक है। इसी से यह हार्मोन स्रावित होते हैं। थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, ये अधिव्यक्त ग्रंथि, एबरसन, ठीक है। इसके बाद आप मदा में देखेंगे तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, आउटू ग्रंथि, परावटू ग्रंथि, ये सभी ये कॉमन है। थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और अधिव्यक्त ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि, ठीक है। एड्रेनिल लीन सीधा रुधिर से स्रावित हो जाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। हृदय सहित या लक्ष्य अंगों या फिर विशेष ऊतकों पर कार्य करता है। परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों को छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती हैं। यह रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देता है। डायफ्राम या फिर पसलियों की पेशी के संकुचन से श्वसन की दर भी बढ़ जाती है। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती हैं। ये जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग हैं जो हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का दूसरा मार्ग भी है। इस क्रियाकलाप को देख लीजिए 7.3। चित्र में दर्शाई गई अंतःस्रावी ग्रंथियों की पहचान कीजिए। इनमें से कुछ ग्रंथियों को पुस्तक में वर्णित किया गया है, ठीक है, इन्हें देख ही लिया है आप लोगों ने। याद कीजिए कि पादपों में हार्मोन होते हैं जो दिशिक वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। जंतु हार्मोन क्या करते हैं इसके बारे में हम उनकी भूमिका की कल्पना दिशिक वृद्धि में नहीं कर सकते हैं। हमने किसी जंतु को विकास या गुरुत्व पर आश्रित किसी एक दिशा में अधिक वृद्धि करते कभी कभी नहीं देखा है, लेकिन यदि हम इसके बारे में और अधिक चिंतन करें तो यह साक्षी होगा कि जरूर जंतु शरीर में भी सावधानी पूर्वक नियंत्रित स्थानों पर वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए पादप अपने शरीर पर अनेक स्थानों पर पत्तियां उगाते हैं लेकिन हम अपने चेहरे पर उंगलियां नहीं उगाते हैं। आप सोचिए अगर चेहरे पर भी उंगलियां उगने लगती तो कितना भयानक लगता। हमारे शरीर की अभिकल्पना बच्चों की वृद्धि के समय भी सावधानी पूर्वक अनुरक्षित है। यह समझने के लिए एक समन्वित विधि में हार्मोन कैसे सहायता करते हैं आइए कुछ उदाहरणों की परीक्षा करें। नमक के पैकेट पर हम सब ने देखा है कि आयोडीन युक्त नमक या फिर आयोडीन से संवर्धित है। हम अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक लेना क्यों आवश्यक है? ऑटो ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो यह संभावना है कि हम ग्वाइटर से ग्रसित हो सकते हैं और इस बीमारी की एक लक्षण फूली हुई गर्दन। क्या आप इसे चित्र 7.7 में अवटु ग्रंथि की स्थिति से संबंधित कर सकते हैं? देखिए यहाँ आप लोगों ने देखा होगा यहाँ एक तरह से उठ जाता है ना, समझ रहे हैं, यहाँ इस जगह कई लोगों का आप लोगों ने उठा हुआ हुआ देखा होगा, इसे ही ग्वाइटर कह देते हैं एक तरह से, ठीक है। कभी कभी हमने ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं जो बहुत छोटे बौने होते हैं या फिर बहुत अधिक लंबे होते हैं। क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है कि यह कैसे होता है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन में एक वृद्धि हार्मोन भी है। जैसा कि इसका नाम इंगित करता है कि वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यदि बाल्यकाल में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो यह बौनापन का कारण बनता है। जब आप या आपके दोस्त की आयु 10 से 12 वर्ष रही होगी तो आपने अपने और उसके अंदर कई नाटकीय अंतर भी देखे होंगे। ये परिवर्तन यौनारंभ से संबंध है और क्योंकि नर में टेस्टोस्टेरोन तथा मादा में एस्ट्रोजन का स्रावण होता है, ये हार्मोन है। क्या आप अपने परिवार या दोस्तों में किसी को जानते हैं जिन्हें डॉक्टर ने अपने आहार में कम शर्करा लेने की सलाह दी हो क्योंकि वे मधुमेह से रोगी हैं यानी कि डायबिटीज से? उपचार के रूप में भी इंसुलिन का इंजेक्शन भी ले रहे हों।
यह एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्नाशय में होता है और जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। यदि उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है और कई हानिकारक प्रभाव का कारण भी बनता है। यदि यह इतना आवश्यक है कि हार्मोन का श्रावण परिशुद्ध मात्रा में होना चाहिए तो हमें एक क्रियाविधि की आवश्यकता है जिससे यह किया जाता है। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा का नियंत्रण पुनर्भरण क्रियाविधि से किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है तो इसे अग्नाशय की कोशिका संसूचित कर लेती हैं और उसकी अनुक्रिया में अधिक इंसुलिन स्रावित करती हैं। जब रुधिर में शर्करा स्तर कम हो जाता है तो इंसुलिन का स्रावण कम हो जाता है। क्रियाकलाप 7.0 देख लीजिए। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, इसके विशिष्ट कार्य भी हैं। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों व दिए गए कार्यों के आधार पर देख लीजिए, यही पूछ लेता है आपका। और इनके बारे में क्या होगा कि आगे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? स्पेशल कोई बुक्स लेंगे तब आपका विस्तार से पढ़ेंगे किस हार्मोन का क्या काम है, क्योंकि इनसे आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते रहे, प्रीलिम्स में भी बन जाते हैं। ये हार्मोन हो गए अंतःस्रावी ग्रंथि जिससे स्रावित होते हैं, इनके जो कार्य हैं। वृद्धि हार्मोन, ये आप देखेंगे पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है और सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करता है। फिर आप देखेंगे थायराइड ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करता है। टेस्टोस्टेरोन ये वृषण से उत्पन्न होता है। अंडाशय मादा लैंगिक अंगों का विकास व मासिक चक्र का नियमन भी करता है। एड्रेनलिन एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। मोचक हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन के स्राव स्राव को प्रेरित करता है, ठीक है? ये आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं इसी से संबंधित। यह आपने क्या क्या सीखा है ये आपके लिए जरूरी है। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र या तथा हार्मोन का है। तंत्रिका तंत्र की अनुक्रिया को पित्तीवर्ती क्रिया, ऐच्छिक क्रिया या फिर अनैच्छिक क्रिया में वर्गीकृत किया जा सकता है। संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र विद्युत आवेग को उपयुक्त करता है। तंत्रिका तंत्र हमारी ज्ञानेन्द्रियों द्वारा सूचना प्राप्त करता है तथा हमारी पेशियों द्वारा क्रिया करता है। रासायनिक समन्वय पादप और जंतु दोनों में देखा जाता है। हार्मोन जीव के एक भाग में उत्पन्न होते हैं तथा दूसरे भाग में अच्छे प्रभाव पाने के लिए गति करते हैं। हार्मोन की क्रिया को पुनर्भरण क्रियाविधि नियंत्रित करती है। ये भी आपके क्वेश्चन हैं, इन्हें भी देखते रहिए। इसे अपने आप से पढ़ लीजिए इस चैप्टर को, क्योंकि मुझे खुद पढ़ाने में भी मजा नहीं आया और आपको पढ़ने में भी मुझे लगता है कि मजा नहीं आया होगा, क्योंकि पता है इसमें कुछ ऐसा है नहीं है। पिछला लास्ट चैप्टर आपका जो छठवां चैप्टर था उसमें बड़ा अच्छा लगा था, बड़ा मजा भी आया था पढ़ने में, ठीक है? तो इसे एक से दो बार आप लोग पढ़ लें। टेलीग्राम पर आपकी पीडीएफ डली हुई है, वहां से डाउनलोड करके। चलिए तो आठवां चैप्टर में मजा आएगा, क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ेंगे जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है?